मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सेशन चल रहा है उसमें अगला टॉपिक जो हमारा है वह हमने एक विधि सीखी थी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं उसका फर्स्ट मेथड फर्स्ट विधि जो हमने यूज की थी वो ये थी कि दोनों ही संख्याएं जो हमें दी गई है जिनके बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उन दोनों संख्याओं को बारी बारी से जोड़कर दोगा भाग देना है। ये विधि हमने कल की थी जिससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई। अब इसमें एक और विधि जो है परिमेय संख्या ज्ञात करने की जो एक और विधि है वो विधि है कि हमें जितनी संख्या पूछी गई है उसी संख्या के अकॉर्डिंग हमें पांच संख्या पूछी गई है तो पांच प्लस एक बराबर छह जो मान प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम उन दोनों ही संख्याओं के भरों के मान को समान करते हुए करते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पर रिटर्न में दिखाऊंगा और आप सुन लीजिए कि क्या इसका दूसरा रिटर्न है। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हमने टॉपिक दूसरा जो दिया था उस टॉपिक में था परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। उसमें हमने दो विधियों के बारे में बात करी थी। पहली विधि अब हम कर चुके थे। अब दूसरी विधि क्या है? विधि दूसरी जो है मेथड सेकंड जो है इसका दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने की दूसरी विधि जो है वो दूसरी विधि क्या है कि हमें जितनी संख्याएं पूछी गई है जैसे कि उदाहरण के तौर पर उदाहरण के अनुसार एक व दो के बीच हमें पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो एक और दो जो संख्या है उसके बीच में हमें पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है एक और दो के बीच तो हमें पांच परिमेय संख्याएं जो ज्ञात करनी है उसके लिए हमें सवाल में जो पूछा गया है उसके ऊपर ध्यान देना है। सवाल में अगर पांच परिमेय संख्या पूछी गई है तो पांच प्लस वन के अंदर पांच परिमेय संख्या है हमें पूछी गई है तो सवाल में जितनी संख्या पूछी गई उसी संख्या का प्रयोग करेंगे। यही विद्या हमारी सभी की तो पांच प्लस वन बराबर छह। पांच का से है जितनी क्वेश्चन में हमने संख्या पूछी गई उसी से पांच दिया गया। पांच परिमेय संख्या के लिए दूसरी विधि है पांच प्लस एक बराबर जो छह प्राप्त होगा उस छह प्राप्त संख्या का छह प्राप्त संख्या का दोनों ही संख्याओं एक व दो को छह और छह से गुणा कर हर समान करते हैं। जैसा कि छह और छह का तो छह और छह का मतलब ये कहां से आया? ये हमारे सवाल के अंदर से पूछा गया। सवाल में पूछा गया था एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब पांच जो हमारे सामने है वो सवाल के रूप में दिया गया है। पांच प्लस एक हमारी दूसरी विधि जो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए काम आएगी। तो पांच प्लस एक बराबर जो संख्या आती है छह प्राप्त संख्या छह को दोनों ही संख्या जो हमें एक और दो के बीच पूछी गई संख्या है तो एक और दो को छह और छह संख्या है उसका छह और छह से गुणा कर हर समान करते हैं। जैसा कि आपके सामने संख्या एक
ये एक है, तो इस एक को हमने यहाँ पर ये एक है, तो यहाँ पर ये है दो, ठीक है। तो एक को गुणा किया किससे, छह को छह से, तो संख्या किसे मतलब नहीं, छह को छह है। इसी प्रकार से दो को आपने गुणा किया, ये दो जो है गुणा किया छह को छह से, तो संख्या में बदल गई, किसमें बदल गई, बारह को छह। तो ये बारह को छह देखा जाए तो बारह को छह, छह में बारह को भाग देंगे संख्या दो आएगी, और छह को छह में भाग देंगे संख्या एक आएगी। तो छह को छह इस एक संख्या को, पहली संख्या तो एक है उसको छह को छह में लिखा गया, और दो संख्या को बारह को छह के रूप में लिया। और सबसे सिंपल जो है तरीका यही है, आपके सामने छह को छह बारह को छह के बीच में कितने नंबर की गिनती आती है, वो गिनती कंटिन्यू आप देखेंगे, क्योंकि इनका हर दोनों का क्या हो गया, दोनों का हर समान हो गया। तो आपके छह के बाद ऊपर अंश में देखो छह है, इसमें क्या अंश में कितना है बारह, छह के बाद क्या आता है सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद ग्यारह। इस प्रकार अंश में संख्या बढ़ती जाएगी, और हमें इस प्रकार जिससे हर का मान समान संख्या के रूप में छह बार बार लिख देना है। इस तरह से हमें इस एक और दो के बीच में ये पांच बड़ी संख्या प्राप्त होती, ये पांच बड़ी संख्या थी, ये पांच बड़ी संख्या प्राप्त। सभी उतार लीजिए एक बार, कौन सा क्वेश्चन है, अब अगला इसी में हम सवाल करेंगे, वो इस प्रकार परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब हम अगला सवाल करेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को जो रूल में होती है उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक तीसरा तो है हमारा, वो है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दर्शाना, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना। हमने सबसे पहले अभी परिमेय संख्या ज्ञात की एक और दो उदाहरण के तौर पर समझा, इसमें प्रश्नावली के कुछ सवाल है, आप उसका प्रयास करें इन दो वीडियो का उपयोग करके। अब हम तीसरा टॉपिक जो पढ़ रहे हैं संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना। अच्छा पहली बात तो ये हमें ये जानना चाहिए कि ये अपरिमेय संख्या होती कैसी है, जो मैंने आपको पहले दिन पढ़ा दिया था वो संख्या रेखा पर जो अपरिमेय संख्या किस रूप में आती है, रूट के रूप में, इस रूप में। तो रूट के रूप में जो संख्या है, रूट चिन्ह के रूप में जो संख्या होती है, वो सारी संख्या रूट में आने वाली संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। रूट टू
का संख्या रेखा पर निर्धारण करना, रूट टू का संख्या रेखा पर निर्धारण करना या दर्शाना। सबसे पहली बात, रूट टू का संख्या रेखा पर दर्शाने का मतलब ये अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले इसकी जो विधि है वो ये है सिंपल, कि आपको इसमें जब रूट संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है तो आपके सामने सबसे पहले प्रायोरिटी जब भी रूट की संख्या को दिखाना है तो एकक दूरी का माल का बोध आपको जरूर पड़ेगी। एकक दूरी मतलब एक सेंटीमीटर का वर्ग, सबसे पहले हमें एक सेंटीमीटर का संख्या रेखा पर वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले देखिए संख्या रेखा पर आपने ये जीरो लिया, जीरो से यहाँ पर एक सेंटीमीटर लिया। मैं आपको इसमें डायग्राम बना करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमने सबसे पहले संख्या रेखा पर यहाँ पर क्या है, जीरो से मतलब ओ से, और ये एक सेंटीमीटर, ये दो सेंटीमीटर, ये तीन सेंटीमीटर हुई है। तो ये आपकी संख्या रेखा है, तो हम संख्या रेखा को दर्शाएंगे। इधर नेगेटिव एक मान जाते हैं, हमें संख्या रेखा पर किसको दर्शाना है, रूट टू को। तो रूट टू के आगे चीज क्या है, प्लस का, तो हमें धनात्मक दिशा की ओर ही बढ़ना है। सबसे पहले रूट टू का संख्या रेखा पर निर्धारण करने के लिए एक सेंटीमीटर का वर्ग बनाएंगे। तो एक सेंटीमीटर वर्ग बनाने के लिए आपको ओ ए बराबर टू ओ ए, ये एक सेंटीमीटर यहाँ पर जो है एक ए की दो है, तीन है। तो सबसे पहले ओ ए बी सी एक सेंटीमीटर एक दूरी या लंबाई का वर्ग बनाते हैं। अब वर्ग बनाना सभी को पता है, वर्ग क्या होता है, सभी में बनते कोण नब्बे डिग्री होते हैं। तो आप एक एक सेंटीमीटर के ऊपर कोण बढ़ाते हुए प्रकार से कर सकते हैं। तो नब्बे डिग्री के कोण या एक सेंटीमीटर की चारों भुजाएं बराबर होती है, यहाँ से एक सेंटीमीटर, यहाँ से एक सेंटीमीटर होगा, तो नब्बे डिग्री कोण बना के हम स्वीकार कर सकते हैं। ये नब्बे डिग्री जीरो और ये ए जो है वो कहां पर है, एक सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले चरण फर्स्ट याद रखना है, चरण फर्स्ट क्या होगा, चरण फर्स्ट तो इसकी स्टेप्स है, पहली स्टेप है ओ ए बी सी एक सेंटीमीटर की आयतन दूरी लंबाई का वर्ग बनाते हैं। ये वर्ग बनाने के उपरांत हम ओ बी को जोड़ देते हैं। सेकंड चरण जो इसका है ओ बी को मिलाते हैं, ओ बी को मिलाते हैं, ओ बी को कैसे मिलाएंगे, वो भी मिलाएंगे। तो हमें पता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसके ध्यान रखते हुए हमने जब ओ बी को मिलाया, ओ बी और ए बी सी जो वर्ग है उसका विकर्ण कहलाता है। अब हम देखें तो इस विकर्ण ने क्या किया, दो समकोण त्रिभुज पे इसको विभाजित किया। दो समकोण त्रिभुज में जब विभाजित होता है तो हमें संख्या रेखा पर अभी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी डिग्री, एक सेंटीमीटर या एक दूरी। इस ए सेंटीमीटर दूरी के बाद रूट टू का मान संख्या रेखा पर किस प्रकार से आएगा, अगली चीज पर ध्यान दीजिए। हमें यहाँ पर ओ ए बी, जब हम ओ बी को मिलाते हैं तब हमने ओ ए बी और ओ बी सी या बी ओ सी समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो ओ ए बी में समकोण त्रिभुज के अनुसार देखेंगे तो समकोण में 90 डिग्री के समानांतर करने कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, कर्ण, क्या कहलाएगी, कर्ण। तब हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से उस ओ बी का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ जब भी आप बता दें
ये सभी ने इसका चित्र बना दिया होगा। अब चित्र को बनाने के बाद में चित्र के माध्यम से सारे चरण जो लिखूंगा उससे आपको ये सीधा यूट्यूब पे संख्या को दर्शाने का तरीका सामने आ जाएगा। अब आपके चित्र के सामने बनने के बाद मैं अभी चित्र ऐसा डाल रहा हूँ, बाद में आपको जो स्टेप दिखोगे उस बात आपको समझा देंगे। अब जैसा कि चित्र में हमें आप सबके पास चित्र बन चुका है, अब चित्र में हमने सबसे पहला चरण जो दिखाई दे रहा है चरण फर्स्ट में वापस दिख रहा हूं कि ओ ए बी सी एक वर्ग एक एक दूरी के ऊपर बनाते हैं। इसका मीनिंग ये ओ ए बी सी जो वर्ग है वह एक सेंटीमीटर की दूरी का बनाया जाएगा। फिर दूसरा चरण इसमें आया था ओ बी को मिलाते हैं, जो मैंने आपको पहले कर दिया ओ बी को मिलाते हैं, तब हमें संपूर्ण त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त होता है। अब संपूर्ण त्रिभुज जो प्राप्त होगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो तीसरा चरण हमारा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ओ बी का मान क्या करेंगे। तीसरा चरण है प्राप्त संपूर्ण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हो, पाइथागोरस प्रमेय आप सबके लिए कोई अनुभव नहीं है, आप भी इसके बारे में जानते रहते हैं। त्रिभुज जो संपूर्ण है ओ ए बी उसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध क्यों की जा रही है ताकि ओ बी का मान प्राप्त हो। आपके सामने इसका मैं वर्ग चित्र बना रहा हूं, ये आपके सामने वर्ग में एक चित्र था ओ से बी को मिलाया था, यहां पर ए था, ये दूरी कितनी थी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी थी 1 सेंटीमीटर। अब इस संपूर्ण त्रिभुज में हमको ओ बी का मान पता नहीं, तो ओ बी का मान पता करने के लिए किस प्रमेय का उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सामने है कर्ण का स्तर, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि संपूर्ण समय में कर्ण क्या होता है, कर्ण कौन होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा कौन है ओबी, यहाँ पे कर्ण की त्रिज्या लिखा जाएगा ओबी स्क्वायर, और आधार हमारा सीधा है OA इसका जो क्षेत्र है, और लंब जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर पर वो है AB, AB का स्क्वायर। हमें दोनों के मान पता है, जैसा कि OB का मान ज्ञात करना है, OB का स्क्वायर हमें पता नहीं है, OA का मान कितना है चित्र में 1 सेंटीमीटर और AB का मान भी कितना है 1 सेंटीमीटर। अब इसी के आगे ध्यान से देखना, हम OB का मान निकालना चाह रहे हैं तो OB बराबर स्क्वायर के रूप में 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, एक स्क्वायर एक पुनः एक स्क्वायर एक, तो दोनों मिला के एक और एक कितने दो हो गए। जैसे स्क्वायर हटेगा तो भी का मान इसमें आ जाएगा रूट टू में, इसमें आ जाएगा रूट टू एक मात्र दूरी आ गई ओ बी। यहाँ पर हमारा सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ओ बी का मान रूट टू प्राप्त करते ही आपका जो चित्र था उसमें चित्र में ध्यान देखिएगा, ओ बी का मान रूट टू आता है, तो हमें केंद्र O को लेते हुए O B का मान चाप लेके O B की जगह चाप लेके संख्या रेखा पर काटते हैं, संख्या रेखा पर जैसे काटते हैं तो हमें संख्या रेखा पर P बिंदु जान करता है वहां रूट टू का मान पता बस गंगा रूट चलते हैं यहाँ पर आगे आप एक बार रोक दीजिए। ये सभी नोट कर लीजिए, फिर पे रूट टू का मान ओबी के माध्यम से संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आपको बताऊंगा अगली जो चरण लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, ये सभी नोट करो।
मतलब रहना वो बिजनेस वाले छोड़ते नहीं हैं तो बिजनेस के आते नहीं सब ये रहेगा ना सब तो बिजनेस वाले नहीं छोड़ रहे हैं तो उनका नहीं है आप अपना काम कर मेरा इतना ज़्यादा बात है भी ऐसी बात है तो यार क्या हो जाए तो उसके लिए उतना आराम तो नहीं होगा अच्छा चलिए इसमें अगली जो स्टेप है चित्र वापस दोबारा मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आई है और दोबारा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि प्राप्त संपूर्ण त्रिभुज कब होता है जब हम ओ बी को मिलाते हैं तो त्रिभुज ओ ए के संपूर्ण त्रिभुज चित्र के अनुसार देखिए तो ओ पी के जो मान है वो लंबी के सामने है तो कर्ण है इसे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से कर्ण का मान होता है आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर तो कर्ण ओ बी स्क्वायर ओ स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर रूप में ओ बी का मान है याद रखना है तो ओ बी स्क्वायर बराबर दो का मान एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेंटीमीटर स्क्वायर तो इस प्रकार से हमें एक स्क्वायर कितना होता है दो ओ बी का मान किसके ऊपर प्राप्त किया अब आगे जो उसमें चरण चार को लिखेंगे वो मैं आपको लिख रहा हूं अपने ध्यान में इसमें चरण चार जो है चरण चार का नोट कर लीजिए फिर मैं आपको चित्र का करके रखूंगा चरण चार क्या है कि ओ बी बराबर रूट टू ओ को केंद्र लेकर ओ को केंद्र लेकर ओ को केंद्र लेकर ओ बी बराबर रूट टू एक दूरी का एक दूरी की त्रिज्या का चाप लेकर संख्या रेखा पर काटते संख्या रेखा पर काटते हैं तब हमें पी बिंदु प्राप्त होता तब हमें पी बिंदु प्राप्त होता है रूट टू का मान निकालने के लिए ओ ए बराबर एक सेंटीमीटर का वर्ग माना है
एक सेंटीमीटर का बल्ब बनाने के लिए आपको 100 सेंटीमीटर का चाप काटना है, जिसका एक सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, एक बल्ब क्या बन जाएगा। ओ ए बी सी हमारे सामने एक सेंटीमीटर का एक वर्ग है, इसकी दूरी एक दूरी अपने दी थी। अब इसमें आपने क्या किया, तुम्हारा दूसरा चरण था ओ बी को मिलाते हैं, ओ बी को मिलाने पर हमें समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमने ओ बी का मान बता याद किया, इसे किया पाइथागोरस से तो इसका मान कितना, हमने सारे चरण किए तो ओ बी पाइथागोरस से निकला था तो ओ बी वाला रूट टू प्राप्त किया। उसके बाद ओ बी जो है तो ओ को केंद्र लेकर, ओ को केंद्र लेकर ओ बी बराबर रूट टू त्रिज्या का चाप लेकर संख्या का वर्ग काटे, तब हमें त्रिज्या का वर्ग कैसे काटते, ओ को केंद्र लेकर ओ बी बराबर त्रिज्या लेकर हम त्रिज्या की ओर इसे काटते हैं। ये आपको यहाँ पर त्रिभुज प्राप्त होता है जो समान होता है। हेलो हेलो इसका ओपी बराबर रूट टू की दूरी पर किस पर प्राप्त हुआ, ओपी बराबर रूट टू के हिसाब से जो त्रिज्या है मैं प्राप्त की, ओ केंद्र लेकर ओपी त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर काटते तब हमें पी बिंदु प्राप्त होता है। और पी बराबर कितना दूरी पर है, तो सी का मान जो आपने सामने आया पी बराबर कितना है रूट टू, इस तरह से संख्या रेखा पर रूट टू का निर्धारण किया जा सकता है। सभी नोट कर लें, सभी नोट कर ले और इसके ऊपर जितने भी सवाल है प्रैक्टिस करें। आज की क्लास यही फिनिश है, समाप्त होती है। थैंक यू।